नमस्कार दोस्तों, बेरे फ्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत हम लोग 21 दिव्यांगता जो उसमें जोड़ी गई है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इस सीरीज में, जिसमें आज हम जानेंगे स्वलिनता के बारे में, मतलब कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। उसको विस्तार से समझाएंगे डॉक्टर भूषण पुनानी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि हमारा जो 1995 का पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था उसमें इस विकलांगता को स्वीकार नहीं किया गया था, स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन जब 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया तो इस दिव्यांगता को स्वीकार किया गया था। जो नेशनल ट्रस्ट की चार दिव्यांगताएँ हैं उसमें ऑटिज़म को भी स्थान दिया गया था। और इस विकलांगता को समझना मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको हम लोग सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो बौद्धिक विकलांगता है अथवा जो स्लो लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है ये उससे अलग है। ये मानसिक विकास से जुड़ी हुई विकलांगता नहीं है, ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जुड़ी हुई विकलांगता है। शायद व्यक्ति का मानसिक विकास एक सामान्य व्यक्ति जैसा है, लेकिन कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जो स्नायु के विकास की जो स्थिति है उससे जुड़ी होने के कारण ये लगभग व्यक्ति के जन्म के पहले 3 साल में ये दिखाई दे जाती है। शुरू में मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति में न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज हैं। इसमें जो स्नायुओं का जो विकास है, जो पर्टिकुलर ऐसे स्नायु के जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई हैं, उनके विकास नहीं होने से 3 साल की आयु में ही मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति स्वलिनता की जो दिव्यांगता है उससे पीड़ित है। और ये इससे व्यक्ति की जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो क्षमता ऐसी क्षमता की जिससे वो समाज को कम्युनिकेट कर सके, अपने विचारों को प्रकट कर सके, और जो एक संबंध है, जो अंतर व्यक्तीय संबंध है उनको समझ सके और दूसरों के साथ रिलेट कर सके, ये केवल ऐसी दिव्यांगता है कि जिसमें व्यक्ति ठीक से अपने विचारों को, जो वो सोच रहा है, जो वो करना चाहता है, जो उसमें क्षमता है, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसको विचारों के माध्यम से समाज को बता नहीं पाता। और वो जो उसके विचार हैं वो उसी में लीन रहता है। उसके विचार, जो अंदर विचार चल रहा है, वो शायद उसको कुछ समय के लिए जो एनवायरनमेंट है, जो दुनिया में जो भी और कार्य हो रहा है उससे डिसोसिएट करके अपने ही आप में मग्न रहता है। और वो क्या सोच रहा है, क्या वो कर रहा है, क्या वो रिलेट कर रहा है, उसको ठीक से समाज के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और ये कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप्स के जो रिचुअल्स उनके साथ जोड़ देते हैं। ये व्यक्ति जो ये दिव्यांगता है, ऐसे इसमें ऐसे कुछ टिपिकल कंडीशंस होती हैं कि व्यक्ति एक ही चीज़ को बार बार करता रहता है, जो करता है तो करता जा रहा है, उसको ये ख्याल नहीं आता है कि मेरे को इसको नहीं करना है, अथवा ये मैं इस लेवल तक कर चुका हूँ। उसका जो बिहेवियर है बहुत ही रिपीटिटिव होता है, बार बार वो चीज़ को किए जाए। उसने हाथ में कुछ लिया और वो लिखने लगा तो लिखता जाएगा, यदि वो सिर हिला रहा तो हिलाता जाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर है, इसको हम लोग जो डेवलपमेंटल का जो स्पेक्ट्रम है उसका जो डिसऑर्डर है उससे जोड़ेंगे। और मैं खास आपसे विनती करना चाहूँगा, इसको बौद्धिक क्षमता तो बौद्धिक दिव्यांगता अथवा लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो लर्निंग की स्पीड है उसको डिसेबिलिटी से अलग है। ये व्यक्ति की स्वलिनता, अपने अंदर जो विचार हैं उसको एक्सप्रेस अथवा विचारों को प्रकट नहीं कर पाने की जो मर्यादा है ये उससे जुड़ी हुई है। और काफ़ी जो बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंट हैं, सब कार्य करने की क्षमता है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस कैसे करें, जो उनके मन में जो मन मंथन हो रहा है, जो विचार चल रहा है, उसको कम्युनिकेट, उसको कैसे प्रकट करें, ये उसकी एक मर्यादा है, उसको समझना पड़ेगा। और हमारे सामने काफ़ी ऐसे उदाहरण है कि
कैसे बच्चों ने 10वीं कक्षा पास की है, 12वीं कक्षा पास की है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स किया है, कुछ लोग कंप्यूटर कर रहे हैं, वो कंप्यूटर पर बैठकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर सकते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो शायद अपना फार्मूला डेवलप करके काफ़ी कार्य कर सकते हैं, जो डेट हमें याद नहीं रहती, जो काफ़ी साल पहले उन्होंने कुछ देखा था, सुना था, जो रिकॉर्ड किया था, वो उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, वो रिटेन कर सकते हैं लेकिन उसको विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन बच्चों को भी उनकी जो ये मर्यादा है कम्युनिकेशन की, विचार पर उसको समझना पड़ेगा, उनको भी अवसर देना पड़ेगा, ताकि उसको जो उसका जो साइकिल है, जो सवालीनता में जो साइकिल में चले जाते हैं, उससे बाहर कैसे लाया जाए, उनको और कैसे सिखाया जाए, उनका जो बिहेवियर है उसको कैसे ज़्यादा सोशल बनाया जाए, समाज के साथ जोड़ा जाए, ये करने से इन बच्चों का भी काफ़ी विकास हो सकता है। और एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे देश ने ऑटिज़म सर्टिफिकेशन के लिए गाइडलाइंस फाइनल कर दिया है, पूरा एक स्केल अवेलेबल है जिस स्केल के आधार पर ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है कि नहीं। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, और वो मेजर कर सकते हैं कि इस कक्षा में आते हैं और किस लेवल की ये सवालीनता है और कितना विकास हो सकता है, इसके लिए स्केल डेवलप किया जा चुका है, जिसका उपयोग करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे सर्टिफिकेशन की रेंज में आते हैं कि नहीं, उसके आधार पर ही इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हर एक ऑटिज़म के व्यक्ति को बौद्धिक विकलांगता का सर्टिफिकेट देना मैं मानता हूँ कि अन्याय है, ये ठीक नहीं है, कि दोनों की विकलांगता अलग प्रकार की है, दोनों का जो मैनिफेस्टेशन है वो अलग है, इसलिए इसको अलग विकलांगता ही मानना चाहिए। इसको हम लोग बौद्धिक विकलांगता था, जो पहले हम लोग मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, इसको स्लो लर्निंग के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, ये अपने आप में एक अलग विकलांगता है और इसको अलग रूप से हैंडल करना अनिवार्य है। और एक ऐसी विकलांगता है कि जिसमें पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, उनको इसकी जानकारी देना, तालीम देना, ओरिएंटेशन देना अति आवश्यक है, इससे बच्चे का विकास और अच्छा होगा, ये मैं मानता हूँ। धन्यवाद। आपने इसमें बताया कि ऐसे बच्चों में क्षमता रहती है और ऐसे बच्चों में बौद्धिक कोई क्षति नहीं होती, खाली एक स्वलीनता उनमें रहती है, तो उनकी क्षमता का हम को शायद यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर जो आपने बताया उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके मित्रों आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों की और माँ बाप को भी समझना ज़रूरी है कि उनकी क्षमता को पहचाने, उनकी क्षमता का किसी सही दिशा में उसका उपयोग करें, यूटिलाइजेशन करें, ना कि उनको नीचा दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों ये ऑटिज़म वाला एपिसोड आप सबको दिखाइए, समझाइए, खास करके ऐसे पेरेंट्स को जो बच्चों को एक प्रेम दे सके, उनको सहयोग दे सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।